हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज दिन भर का ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं हूं जदुमनी, आप सभी को स्वागत करता हूं आप लोगों का यूट्यूब चैनल देसना ब्लॉग में। अभी टाइम हुआ है 5:46 AM। सो अभी मैं बिस्तर से उठा हूँ। अभी मच्छरदानी को बिस्तर को ठीक किया हूँ। अभी फिलहाल मैं रूम पे हूँ। अभी जाऊँगा बाहर में, ब्रश करूँगा। और क्या है कि पूरा बाहर में बारिश हो रहा है यार। तो मुझे एक भाई का घर जाना है, भाई का घर से एक जगह पर जाना है, ठीक है, बस्ती पे जाना है। और वहाँ से मुझे केक लेके आना है। आज भांजा का बर्थडे है, उसका उम्र आज 2 साल होगा और भांजा का नाम है लक्ष्यजीत कुंवर, ठीक है। और वैसे तो मुझे जाना पड़ेगा ही, ठीक है, और मैं जाऊँगा ही, डेफिनेटली जाऊँगा। अभी दोस्त का घर में जाऊँगा और पहले ब्रश कर लेता हूँ, हाथ मुँह अच्छी तरीके से धो लेता हूँ, ठीक है। और मैं तो दोस्त का घर पहुँच गया हूँ, अभी पीछे है दोस्त का घर, ठीक है। और दोस्त का घर में कोई भी उठा नहीं है बिस्तर से, सभी लोग सोया हुआ है। और इसलिए सोया हुआ है कि पूरा बारिश गिर है ना अभी। और ऐसा माहौल में सोने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन हमारा घर में तो सभी लोग उठ गए हैं, पापा, मम्मी, दादू, दादी, मैं तो सबसे पहले उठा था। अभी दोस्त को कॉल करके उठाया हूँ, वो उठेगा या नहीं उठेगा पता नहीं। फिलहाल अभी दोस्त का घर में चाय वाय पी लिया, अभी जाने वाला हूँ केक लाने के लिए, ठीक है। और माहौल बहुत ही ख़राब है यहाँ पे, देखिए आगे में दोस्त जा रहा है। माहौल बोल रहा हूँ, दोस्त ने बोला है मंगल, चलिए यार। तो अभी हम दोनों ही जाएंगे और कहाँ जाने वाला हूँ मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन जाएंगे ज़रूर। और चलिए यार, हाँ ये मेरा साथ 2 बार होगा। और पहली बार एक बार मैं केक ले लाने के लिए गया था दुकान से, और अभी से गामोसा ले गया था इसको यार। हमारा वो ट्रेडिशनल गामोसा अभी यहाँ पे देखिए क्या करेगा भाई, इसको साफ कर रहे हैं। वो हम गले में मतलब वो पहनता हूँ ना, वो लेता हूँ गले में, अभी इसको यह साफ कर रहे हैं, देखिए। हाँ साफ करना पड़ेगा, नहीं तो यह पूरा ये पीछे वाला पूरा भीग जाएगा। लोगों ने बोला कि यार तुमने वो पेन में ही सोता वाला बाथरूम कर दिया, ऐसा बोलेगा। अभी इसलिए पूरा इसको साफ़ कर रहा हूँ। मैंने अभी कर लिया सोता वाला बाथरूम, और बहुत दूर से लगा हुआ था। और अभी मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे केक बन रहा था। और इन जगह के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन दोस्त ने बोला है कि मोजोगुड़ी ऐसा कुछ बोला है। और अभी चलिए, और दोस्त और मैं यहाँ पर आया हूँ, और केक हमको मिल गया है 1 KG वाला। और अभी डोरीमोन स्टाइल जैसा है, ठीक है। और अभी इसको हम पैक करके अच्छी तरीके से लेके जाएंगे। अभी दोस्त ने यार क्या कुछ कर रहा है पता नहीं, इसका दिमाग बहुत तेज है, क्या कुछ करता है पता नहीं। चलिए अभी हमने केक ले लिया, अभी जाऊंगा घर में, भांजा का घर में। और अभी बारिश आ गया है, बारिश का माहौल है पूरा। अभी मुश्किल होगा यार जाने के लिए, इसलिए जाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी हूँ गमारी पे, अभी दुकान पे हूँ। और कुछ हमने क्या ले लिया, अभी हमने कैंडल ले लिया ऐसा वाला कुछ। और मुझे पता नहीं यहाँ पे कितना कुछ ईयर हुआ है, ऐसा होगा शायद। हमने कैंडल ले लिया, और क्या कुछ लेने वाला हूँ पता नहीं। चॉकलेट उठा देखो, 10 KG पॉल क्या कुछ लेके जाऊंगा पता नहीं सर। चलिए दुकान में ऐसे हमने कैंडल ले लिया, फाइव स्टार लो, ठीक, फाइव स्टार का काले ताल है, ताल है क्या, फाइव स्टार का हमने। हां देख देख, सो 200 में कुछ खाने वाला हूं, हम ही खा वाला बड़ा लो, क्या ला बोले, हमने सब्जी दिन से सेम नहीं बड़ा लो, ये बैटिक ना खा ले हम यार। दोस्त को बोल रहा हूँ कुछ खाओ यार, वो नहीं खाऊंगा। हाँ ऐसा सोच में दोस्त होना चाहिए यार, पैसा वो खर्च नहीं होता है। लेकिन इसको क्या खाना चाहिए, और तंबाकू ऐसा कुछ, शिखर, सिग्नेचर, रजनीगंधा ऐसा खरीद करके दूंगा तो खा लेगा। अभी ऐसा बोला छोटा सा बोला मजा ही खा लेता हूँ। और मैं पहुँच गया हूँ भांजा का घर, ठीक है। अभी ओ पूरा का पूरा भीग गया हूँ,
पूरा शर्ट पूरा भीग गया है और मैं भी भीग गया हूँ और मेरा डूस भीग गया यार। और मेरी वजह से यार ये भी पूरा भीग गया है यार। सो इसने मुझे यार आज बहुत ही मदद किया है, ठीक है। केक लाने तक तो उसका घर में लेके जा रहा हूँ यार। जब जा रहा था तब भी बारिश में भीगा हुआ था दोनों, और अभी भी हम दोनों ही भीग करके आए हैं यार। और मेरा पास है डोस और दोनों ही हम पूरा भीग गया हूँ। अभी मेरा पास है भांजा और इसका बर्थडे है आज, ठीक है। और इसका उम्र कल से 3 साल ऐसा हो जाएगा। तो हमारा जैसा कुछ दिन के बाद हमारा जैसा बन जाएगा यार, दाढ़ी मूछ पूरा निकल जाएगा। अभी सोता है ना, अभी कैसा कर रहा है देखिए मुँह। अभी इसको हम चॉकलेट लेके आया था, ये चॉकलेट खा रहा है ये। अभी चलिए यहाँ पे साई भाई पी लिया और दोनों ने अभी कुछ यहाँ पे पॉलिथीन में है घर में देने के लिए दिया है। अभी चलिए घर जाता हूँ और बारिश तो नहीं रुका है, बारिश तो गिर रहा है। चलिए अभी गमछा ले लिया, इसको साफ करो। अभी भाई को मैं काम लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा पानी पानी हो गया है, ठीक है, इसको साफ करा रहा हूँ। और भाई ने अभी यहाँ पे अंडा बनाएगा। अभी भाई को अभी वो किचन संभालने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। भाई के लिए अंडा वो बना रहा है यहाँ पे और खुद बना रहा है। और गैस जलिए चलिए यार। सुबह का खाना भाई ने हमारे घर में खाया और भाई को मुझे फिर से घर में शोर करके आना पड़ेगा, ठीक है। भाई के लिए कुछ हमारा घर की तरफ से दे रहा हूँ। चलिए भाई को मतलब देरी हो रहा है, वो काम में जाएगा, ठीक है। और मेरा भी काम है गार्डन में और मैं इसको शोर करके आ करके मैं भी करूँगा घर में काम। यार भाई को सोने के लिए फिर से आ चुका हूँ उसका घर में, ठीक है। और पूरा का पूरा रोड कीचड़ ही कीचड़, मिट्टी का बनाया हुआ रोड है, ठीक है। अभी चलिए उसका घर में जाता हूँ। और आज पूरा मौसम ख़राब है यार, बिस्तर से उठने से समय से अभी तक भागदौड़ मचा रहा हूँ, ठीक है। और इधर से उधर यार जा रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है 11:06। सो सांस ठंडी मगजे से शांत स्वभाव से और एक घंटा ऐसा बैठता हूँ और कल का वीडियो एडिटिंग करता हूँ। कल का वीडियो अपलोड हो गया है और मैं आज अम्ब्रेला लेकर के आया हूँ यार। अभी अभी एक दो लड़की यहाँ पे गुजर के गया है यार, इतना हंस करके गया है, वो हमारा बस्ती का ही है और पूरा दांत दिखा करके मुझे गया है। चलो दूसरों को क्या मतलब है, दूसरा लोग मतलब हंसेंगे कितना कुछ, कानों पीछे से वो गाली गलाज करेगा कितना कुछ सुनाएगा ना, उन लोगों का वही काम होता है। खुद भी ऐसा वाला कुछ काम नहीं करता है, हमको भी करने के लिए देता नहीं है, मतलब निशा दिखाता है दूसरों को। पहले भी मैं घर पहुंच गया हूं वीडियो अपलोड करके आके, ठीक है। और अभी मोबाइल का बैटरी ओनली 21% चार्ज है, ठीक है। और अभी पहले मोबाइल को चार्ज करता हूँ और मैं दोपहर का खाना देसी का प्रिपेयर कर देता हूँ। अभी टाइम बहुत हो गया है, 1:56 PM, मतलब 2 बजने वाला है। और कुछ खाना दे देता हूँ और मोबाइल को मैंने 82% ऐसा चार्ज कर लिया। अभी मैं आ चुका हूँ गार्डन पे, ठीक है। और मुझे अभी काटना है केला का फूल, केला का बंच और क्या काटूँगा, पपीता तोड़ूँगा और कसू का पेड़ काटना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ पे साइड पे है।
सो यार लगातार 3-4 दिन ऐसा हो गया है, बारिश हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। ये गार्डन में कौन सा समय पे गार्डन में आया था और अभी टाइम कितना हो गया है मुझे देखने के लिए समय नहीं है, ठीक है। मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, कामों को मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। ख़त्म तो नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैंने ले लिया जहाज़ी का केला का पेड़, इसको काट करके मतलब सो जो जितना कुछ मैंने खाना बनाऊँगा ना वहाँ पर मिक्स करके देने के लिए, कितना सारा मैंने केला का फूल तोड़ा यहाँ पे देखिए, लगभग मेरे हिसाब से 22-23 ऐसा हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ठीक है। इतना कुछ आप लोगों ने देख लिया। और मैंने पका हुआ पपीता तोड़ लिया आज खाना में देने के लिए, और पेड़ में ही पूरा का पूरा पपीता पक गया है और चीयर ने खा करके ऐसे ही वो ख़राब होके जा रहा है, ठीक है। अभी इसको मैं काट करके जैसिका का खाना में इसको मिक्स करके दे दूँगा। यहाँ पर मैंने एक मुना, ठीक है, पपीता तोड़ लिया और नीचे पे अच्छा है, ऊपर का पूरा ख़राब है ना, इसको मैं अभी अभी जैसिका और पिगलेट को दे दूँगा खाने के लिए। और मैंने कहाँ पे कसू का पेड़ काटा हूँ यार, आप लोग को शायद आप लोग ऐसा वाला काम करता नहीं है, मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ, मुझे ये सब काम करने के लिए मिलता है यार। हाँ यहाँ पे डोम है, ठीक है, कसू का पेड़, ठीक है, यहाँ पे काट करके रखा हूँ। और यहाँ पे कसू का पेड़ है पूरा जंगल में, ठीक है। और भी मैं काट करके रखा हूँ, वो भी आप लोग को दिखाऊँगा यार। सो ऐसा है कि यार मेरे पास वो फाइनेंस का प्रॉब्लम मेरा साथ होता है यार, मेरा पैसा की कमी की वजह से मैं इसलिए इसको खाना को बना करके खिलाना पड़ रहा है। मेरा पास पैसा हुआ होता तो, ज़्यादा पैसा हुआ होता तो मैं फीड खरीद करके लेके आता ना दुकान से, दुकान में जा करके फीड खरीद करके लेके आता और सुअर को पूरा खाना अच्छी तरीके से खिलाता। लेकिन मेरा फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कुछ मेरा साथ हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने कसू का पेड़ काट चुका हूँ, ठीक है, इतना सारा। और यहाँ पे इस जंगल पे यार कितना कुछ मैंने घास ने मेरा हाथ को काट दिया यार, पता नहीं। चलो जो भी हो, इतना सारा मेहनत करने के बाद सो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, वीडियो को अच्छा लगा तो, ठीक है। मैं सही सही दिखा रहा हूँ आप लोग को, कुछ भी ऐसा झूठा नहीं दिखा रहा हूँ, जो भी कुछ करता हूँ वो आपको लाइव जैसा ही दिखाता हूँ, ठीक है। और ऐसा कोई ऐसा मैं झूठा आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाता नहीं हूँ। और यहाँ पे ये फ्रूट चाहिए और पका हुआ है ना, अभी इसको मैं घर में लेके जाएंगे और इसको सभी सदस्य मिल करके हम खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और दादू दादी पापा मामी मैं, ठीक है, अब इसको तोड़ के लेके जाता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे मिल रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी देखिए उसका सुगंध ही बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चलिए ठेला गाड़ी को मैंने यहाँ पे ला करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। और बासन भी मैंने धो लिया, अभी मैंने 3 केला का फूल तोड़ लिया। अभी यहाँ पे लकड़ी को काट करके रखा हूँ और यहाँ पे जो साई पत्ती यहाँ पे रखता हूँ ना, अभी यहाँ पे मैं खाना बनाऊँगा। कि अभी टाइम हुआ है 6:03 PM, सो जैसिका और पिगलेट को मैं कप का शाम का खाना दे चुका हूँ, ठीक है। और मैंने जैसिका के लिए शोर के लिए मतलब खाना बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया, अच्छी तरीके से सभी कुछ कर दिया। यहाँ पे बना रहा हूँ आपको, ठीक है। शोर का खाना पूरा का पूरा हो गया है और मैंने अभी आग को पूजा करके आया हूँ और कल से मैं इसको लगातार 4-5 डेज तक दे सकता हूँ, ठीक है। हाय दोस्तों, रात का खाना बना हो गया है, अभी आ गया हूँ रूम पर सोने वाला हूँ। सो आप लोग बताइए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और मैं तो बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही अच्छा के साथ आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाया हूँ, ठीक है। सो आप लोग ही बोल सकते हैं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सो आज का ब्लॉग में अपनी रूम पर समाप्त करता हूँ, अपने बिस्तर पर बैठ करके, ठीक है। सो आप लोग बताइए, और आप लोग जिस तरीके से मेरा तोता फुटा हिंदी सुन करके मेरा वीडियो देख करके हंसते हैं, उसी तरीके से दूसरों को भी मौका दीजिए। आज का ब्लॉग में समाप्त करता हूँ और कल मिलूँगा फिर एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, गुड नाइट दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय दोस्तों।